क्वेश्चन नंबर 29, इसमें हमें क्या करना है कि जो अपने पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसे ए प्लस एयोटा बी के फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो अपने पास क्या गिवन है, लेट हम मान लेते हैं अपने पास जेड वन है, ये अपने पास गिवन है 1 प्लस एयोटा की पावर होल पावर क्यूब अपॉन 4 प्लस 3 एयोटा। ठीक, सबसे पहले हम ये पावर ब्रेक करेंगे। सो हम जान हमें पता है कि ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी क्यूब का। ठीक है, तो इसे हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे, सो क्या आएगा अपने पास 1 प्लस एयोटा क्यूब प्लस 3 एयोटा एंड 1 प्लस एयोटा अपॉन में क्या आएगा 4 प्लस 3 आयोटा। सो ये हम जानते हैं आयोटा क्यूब इक्वल टू कितना होता है अपने पास, माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा क्यूब इक्वल टू कितना होता है, माइनस आयोटा। सो हम इसे पुट करेंगे 1 माइनस आयोटा प्लस इस 3 आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या है? सो अपने पास क्या आएगा, 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, एंड अपॉन में 4 प्लस 3 आयोटा। सो ये तो 1 रहेगा, एंड माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना होगा, प्लस 2 आयोटा। ठीक है, एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। सो 3 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, और ये अपने पास रहेगा 4 प्लस 3 आयोटा। सो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 1 और -3 कितना होगा, -2। ठीक है, +2 आयोटा एंड अपॉन में 4 प्लस 3 आयोटा। सो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज करेंगे, और हम रेशनलाइज करने के लिए 4 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 4 माइनस 3 आयोटा से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो 4 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो क्या आएगा अपने पास, -2 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, एंड ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये है ए प्लस बी, ए माइनस बी, सो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक, तो नाउ हम -2 प्लस 2 आयोटा का 4 माइनस 3 आयोटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, -8 प्लस 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा एंड -6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, एंड अपॉन में क्या आएगा, 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, -1। तो ये कितना आ जाएगा, -8 एंड 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा कितना होगा, 14 आयोटा। एंड -6 आयोटा स्क्वायर की जगह हम सॉरी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे, सो ये कितना हो जाएगा, +6। ठीक है, एंड यहाँ पे भी हम आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -1, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9। सो -8 और +6 कितना होगा अपने पास, ये हो जाएगा -2 प्लस 14 आयोटा एंड अपॉन में 16 प्लस 9 कितना होगा, 25। सो ये आ जाएगा -2 अपॉन 25 प्लस 14 अपॉन 25 आयोटा। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये अपने पास आ गया ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। ठीक है, दिस इज द आंसर।